हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सेवालिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो कृपया चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज जो कि फिल्म इंडस्ट्री की जानकारियों से भरी होती है वो मिलती रहे। चलिए बात करते हैं अगली वीडियोज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे सिंटा कार्ड, अगर आप बनवा चुके हैं, अगर आप सिंटा के मेंबर बन चुके हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, मतलब आपको सिंटा कार्ड बनवाने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सिंटा कार्ड बनवा चुके हैं तो ध्यान रखिएगा शूटिंग लोकेशन पर आप समय से पहुंचे। अगर आप समय से पहले पहुंचेंगे तो सिंटा कार्ड की जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे, यानी कि अगर कोई भी बात सेट पे होती है तो सिंटा आपके लिए लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है। अगर आप खुद ही लेट पहुंचेंगे शूटिंग लोकेशन पर तो सिंटा फिर आपके खिलाफ कैसे लड़ेगा, कैसे कार्रवाई करेगा। इसलिए सिंटा कार्ड पाने के बाद हमेशा शूटिंग पर टाइम से पहले पहुंचे। दोस्तों, यदि आप सिंटा का कार्ड बनवा चुके हैं तो सिंटा को अपनी ताज़ा ईमेल, फ़ोन नंबर और समय समय पर जो भी आपकी नई जानकारी अपडेट होती है वो सिंटा में पहुंचाते रहे, यानी कि अपनी कार्ड की जिम्मेदारी निभाए, अपनी इंफॉर्मेशन सिंटा में अपडेट करवाते रहे, ताकि आपको सिंटा किसी भी कारण से कॉन्टेक्ट कर सके, आपके खिलाफ कोई भी बात प्रोडक्शन हाउस में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सामने रख सके। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी कोई भी जानकारी, आपका फ़ोन नंबर बदलता है, आपका व्हाट्सअप नंबर बदलता है, आपका ईमेल आईडी बदलती है, आपका एड्रेस बदलता है, वो चीज़ें आपको अपडेट करवानी है खुद जाकर। दूसरा, अगर आपका कार्ड एक्सपायर होना है तो उससे पहले आप कार्ड को अपडेट करा लीजिएगा। ऑफिस से या सिंटा से कोई भी मेल या फ़ोन नंबर का इंतज़ार ना करें कि वो कॉल करेंगे आपको कार्ड अपडेट करवाने के लिए, उनका कोई भी रिमाइंडर का इंतज़ार ना करें, आप अपना कार्ड खुद जाकर अपडेट करवा लीजिएगा। यदि दोस्तों आप शूटिंग के सेट पर पहुंच चुके हैं, शूटिंग कर रहे हैं, वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई सफाई में प्रॉब्लम दिखाई देती है, गंदगी दिखाई देती है, किसी प्रकार की अभद्र भाषा यूज होती है या कोई भी ऐसी शूटिंग लोकेशन पर आपको दिक्कत होती है, तो तुरंत आप सिंटा को इन्फॉर्म करें। अगर आप सिंटा को इन्फॉर्म नहीं करते, बहुत से लोग क्या करते हैं, सिंटा को ना इन्फॉर्म करके किसी मजदूर कमेटी को, किसी ऐसे लेबर कोर्ट को, मतलब ऐसी ऐसी जगह पर कांटेक्ट करने लगते जाते हैं, जबकि वो ऐसे चक्कर में खुद उलझ जाते हैं। तो इसलिए पहले सिंटा को इन्फॉर्म करें, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टीवी शोज, थिएटर, किसी भी जगह आप काम करते हैं, तो उनकी पूरी डिटेल्स, किस कास्टिंग ने आपको कास्ट किया है, SMS, कॉल, रिकॉर्डिंग, ईमेल, लेटर, कुछ भी आप प्रॉपर प्रूफ के तौर पर संभाल कर रखिएगा। जब तक आपका प्रोजेक्ट समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक आपको उसका फुल पेमेंट नहीं मिल जाता है, जब तक संभाल कर रखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है तो सिंटा उन प्रूफ के माध्यम से उनसे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, सिंटा एक डायरी प्रोवाइड करता है, उसमें आप अपनी समय समय पर जानकारी भरते रहिएगा, फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी, किस फिल्म में काम कर रहे हैं, किस में काम किया है, किसका पेमेंट बाकी, किसका क्या है, वो समय समय पर अपडेट कराते रहेगा और सिंटा के अधिकारियों से उसको हस्तांतरित यानी कि हस्ताक्षर करवा कर रखिएगा। ये हमेशा आप समय पर करते रहेगा, ये आपका काम है। दोस्तों, सिंटा अपने वॉलेंटियर्स यानी कि कुछ लोगों को हमेशा प्रोडक्शन हाउस के किसी भी फिल्म सेट पर कहीं भी आप जांच के लिए भेज सकता है। तो सिंटा जैसे ही जांच के लिए भेजता है, वो हर एक अधिकारी से, हर एक प्रोडक्शन हाउस के मैनेजर से, हर एक छोटे आर्टिस्ट से वो कार्ड दिखाने की मांग करता है। तो अपना सिंटा कार्ड हमेशा अपने पास रखिएगा, कभी भी आप दूर मत रखिएगा, अपने पास रखिएगा और जांच अधिकारी को दिखाने के टाइम पर उसको ज़रूर दिखाएं, ताकि आपकी जानकारी अपडेट रहे और आप हमेशा सेफ रहें। दोस्तों, यदि आप किसी टीवी सीरियल में काम करते हैं और उसमें आपके साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी हो जाती है, तो आप उस टीवी सीरियल की डबिंग से पहले सिंटा को सूचित जरूर कर दीजिएगा। किसी भी मामले में, चाहे वो पेमेंट का मामला हो, किसी अभद्र भाषा का मामला हो, लड़ाई मारपीट किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, तो सिंटा को आप ज़रूर सूचित कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रूफ आपके पास हो और फिल्म या टीवी सीरियल की डबिंग से पहले ही आप कॉन्टैक्ट करिएगा, डबिंग से पहले ही आपको पेमेंट प्राप्त करना है।
कुछ जगह पर ऐसा होता है दोस्तों, आप प्रोजेक्ट लेते हैं किसी भी फिल्म टीवी सीरियल का, तो आपको कुछ अमाउंट देकर वो साइन कर लेते हैं, बाकी के अमाउंट आपके पेंडिंग रह जाते हैं। तो आप बहुत सारा वर्क कर देते हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी आपको पेमेंट नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसी आपकी शूटिंग कंप्लीट होती है, जैसे वो डबिंग को बुलाते हैं आपको, तो उतना जितना आपने वर्क किया है डबिंग से पहले, आप 90% उनसे फीस जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए, ताकि सिंटा कोई भी एक्शन उन प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ ले तो आपका अमाउंट बाकी ना रहे। तो 90% शूटिंग की डबिंग से पहले आप पेमेंट जरूर हासिल कर लीजिएगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जैसे सिंटा के साथ जुड़े हैं, तो हो सकता है सिंटा के कुछ अधिकारियों के रिगार्डिंग कुछ सर्विस के कारण आप प्रॉब्लम में हो, या आप उनके खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, तो ऐसी वैसी जगह पर पोस्ट ना करें, जैसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया या फेसबुक पर यूट्यूब पर, ऐसी जगह पर शेयर ना करें बिल्कुल भी, अदरवाइज सिंटा आपके खिलाफ खुद एक्शन ले लेगा और आप खुद एक जाल में फंस जाओगे। इसलिए सिंटा को कोई भी परेशानी होती है तो सीधे सिंटा के ऑफिस में जाकर बात करिएगा, तसल्ली से बात करिए, वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी होते हैं, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी किसी भी रिगार्डिंग हो। लेकिन फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिएगा, इससे सिंटा की इमेज भी खराब होगी, साथ में आपका काम का आगे का बहुत नुकसान होगा। दोस्तों किसी भी फिल्म टीवी शो थिएटर एल्बम के लिए आप साइन करते हैं तो उसका एग्रीमेंट जो मिलता है, उस एग्रीमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर सिंटा ऑफिस में जरूर जमा करवा दीजिएगा उसकी फोटोकॉपी। अगर आप जमा नहीं करवाते हैं तो उस प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ सिंटा कोई भी एक्शन लेगा नहीं भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी आपको साइन करता है उसका एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर अंदर सिंटा ऑफिस में जरूर जमा करवाएं। सिंटा को किसी भी प्रकार का बिल देते हैं आप, किसी भी प्रकार की, या किसी और को भी आप अपना पैसा देते हैं, तो उससे बिल रसीद जरूर लें। अगर आप बिल रसीद नहीं लेते हैं तो ये आपका प्रूफ नहीं होता है और किसी भी प्रकार से सिंटा फिर एक्शन नहीं लेगा, चाहे आप उसके मेंबर क्यों ना हो। दोस्तों अगर आप किसी भी फिल्म या सेट पे काम करते हैं तो वहाँ से शूटिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप सेट ना छोड़ें, चाहे भले ही आपका वहाँ पर रोल हो या ना हो। जैसे ही आपका काम वहाँ से फिनिश हो जाता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी वजह से इमरजेंसी में जाना है, कोई छुट्टी आपको लेनी है, कोई काम आपका निकल आया है, तो आप शूटिंग के प्रोडक्शन हाउस के मैनेजर हेड से या किसी ऐसे सीनियर अधिकारी से बात करें, अदरवाइज आप सिंटा के ऑफिस से बात करें ताकि वो आपको छुट्टी दिला सकें। कोई भी सिग्नेचर करने से पहले पूरे एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़े, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, उसको प्रॉपर पढ़े। जब तक आप उसको पढ़ नहीं लेते हैं तो उस दस्तावेज पर साइन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों जब आप कोई भी साइन करते हैं किसी भी खाली पेपर पर या किसी भरे हुए पेपर पर, तो ध्यान रखिएगा जहाँ सिग्नेचर करने की जगह होती है, सबसे पहले तो सिग्नेचर आप लंबा करें, ऐसे ऊपर के लाइन में अपना नाम लिखते जाएं, ऊपर के लाइन में हमेशा पूरा लाइन लिखें। और दूसरा, कहीं भी ऐसी जगह ना छोड़ें कि वहाँ पर खाली जगह बचे और वहाँ पर वो दोबारा सिग्नेचर लिख के करके कुछ और चीज़ डालें, तो वहाँ सिग्नेचर करने की जगह पर कोई भी खाली जगह ना छोड़े। चाहे आपको वहाँ पर डेट लिखनी हो सिग्नेचर के नाम के नीचे या कुछ भी लिखना हो, तो आप वहाँ। दोस्तों सिंटा कहता है कि साल में 2 राष्ट्रीय छुट्टी होती हैं और 1 मई छुट्टी सिंटा की तरफ से रखी जाती है। तो 1 मई और 15 अगस्त 26 जनवरी, इन 3 दिन शूटिंग बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो आपको पेमेंट डबल क्यों ना दे रहा हो। अगर आप ऐसा करते हैं और सिंटा का ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो सिंटा उसको अपनी मेंबरशिप से रद्द कर सकता है। शूटिंग के सेट पर आपके साथ बहस हुई हो या फिर किसी पर्सन के साथ, किसी अधिकारी के साथ, किसी एक्टर के साथ, किसी कोऑर्डिनेटर के साथ आपकी बहस छेड़छाड़ लड़ाई हुई हो, तो सीधे मीडिया अखबार वालों के पास ना जाए। आप पहले वहाँ के जो कर्मचारी हेड होते हैं उनसे बात करें, अदरवाइज सिंटा के ऑफिसर में जाके सिंटा के अधिकारियों से बात करें, तो आपका समाधान निपटाया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत लंबे उलझन में उलझ सकते हैं। यदि किसी वजह से इमरजेंसी में आप किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए सिंटा में अपनी एप्लीकेशन लगा देते हैं, अपनी कोई शिकायत दर्ज करा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही आप शिकायत दर्ज कराएंगे किसी भी प्रोड्यूसर के खिलाफ, तो उसके बाद आपको उस प्रोड्यूसर से खुद बात नहीं करनी है, ना ही व्हाट्सएप पर करनी है, ना ही कॉल पर करनी है, ना ही ईमेल पर, ना चैट पर। और अगर आप ऐसा करते हैं और सिंटा को ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो सिंटा फिर कोई भी जिम्मेदारी आपकी नहीं लेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीवी शोज ऐसा होते हैं कि वो लोग
किसी की आवाज़ डबिंग करवाते हैं, यानी कि कोई फिल्म है वो बोल नहीं पा रहा है या उसकी भाषा दूसरी लैंग्वेज में है और वो आपसे डबिंग करवाना चाहता है, आपकी आवाज़ लेना चाहता है, या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, आप किसी एक्टर की आवाज़ निकालते हैं वो उस एक्टर की आवाज़ को यूज करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी डबिंग ना करें बिना सिंटा की इजाज़त के बिना। अगर आप सिंटा की इजाज़त लेकर ऐसी डबिंग करते हैं देन ठीक है, लेकिन अगर आप बिना इजाज़त के डबिंग करते हैं तो सिंटा आपके खिलाफ एक्शन लेगा और जुर्माना भी लगाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कलाकार किसी टीवी शोज रियलिटी शोज में से बाहर निकाला जाता है, तो जैसे ही बाहर निकाला जाता है उसकी जगह पर एक नया एक्टर, नया कोऑर्डिनेटर, नया आर्टिस्ट हायर किया जाता है, तो उस जगह पर आपको काम करना है तो बिना सिंटा की इजाज़त के बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी एक्ट्रेस की जगह पर काम कर रहे हैं, किसी आर्टिस्ट की जगह पर आप कोई टीवी सीरियल या शोज में काम कर रहे हैं, तो पहले सिंटा को सूचित करना पड़ेगा, आपको लिखित तौर पर देना पड़ेगा कि आप इसकी जगह पर काम करते हैं, तब आपको परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी पर्सन फिल्म इंडस्ट्री से रिगार्डिंग या किसी भी तरह से आपको ब्लैंक पेज पर या किसी खाली दस्तावेज पर साइन करने के लिए बोलता है कि आप इस पर साइन कर दीजिए, हम लोग इस पर ऐसा ऐसा लिख लेंगे, हम लोग इस पर ऐसा टाइप करवा लेंगे और आप हमारे लिए साइन हो चुके हैं, आप ये हो चुके हैं, आप वो हो चुके हैं, कुछ अमाउंट दे रहे हैं हम आपको, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि खाली दस्तावेज पर साइन करना आपको भारी पड़ सकता है, साथ साथ आपकी लाइफ और आपके परिवार के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा किसी भी खाली दस्तावेज पर साइन बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों ये हुई कुछ ऐसी बातें जो सिंटा कार्ड पाने के बाद आपको निभानी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरी वीडियोज को सेव कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में, लाइक करके हमेशा के लिए आपके पास रहेगी और जब चाहे आप इन रोल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कोई भी अपनी राय कमेंट करना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी से रूबरू कराता रहूँगा और फिल्म इंडस्ट्री की कुछ बारीकी जानकारी, जैसे कि फिल्म लाइन में क्या क्या होता है और क्या होने वाला है, इस बारे में आपको सूचित करता रहूँगा। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल अपने दोस्त सचिन सिवालिया को दीजिए आगे नमस्कार। जय हिंद।